बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी की वजह से भारत तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। युवा बेहतर अवसर पाने के लिए शहरों का रुख करते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में काम करने वालों की संख्या कम हो रही है और शहरी इलाकों में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी हो रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा हमें रोजगारी देखनी होगी, उतना ही ज़्यादा हमको हाउसिंग देखना होगा, उतने ही ज़्यादा हमें फूड प्रोड्यूस करना होगा। तो ये सारी चीज़ इफेक्ट होती है जनसंख्या बढ़ने से। इसका कोई सलूशन करना होगा तो वो टेक्नोलॉजी दिखाएगी कि कैसे सलूशन हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है और इसका असर जो नौकरी या जॉब्स के जो अवसर हैं उन पे भी पड़ता है। और जब रिसोर्सेस कम होंगे तो नौकरियां कम होंगी। यही हाल घरों का है, आवास का है, तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या तो है और ये विश्वव्यापी समस्या है। 2004 से लेकर 2018 के बीच भारत में करीब 4.5 करोड़ नौकरियों में बढ़ोतरी हुई। इनमें से करीब 4.25 करोड़ नौकरियां सिर्फ शहरी इलाकों में निकाली गईं। ग्रामीण इलाकों में नौकरियां बेहद कम हैं, साथ ही जॉब ग्रोथ में भी कमी है। आंकड़ों की तुलना करें तो नौकरी में सिर्फ 0.8% की बढ़त देखने को मिली, जबकि जनसंख्या में 1.7% की बढ़ोतरी हुई। ये अंतर साफ बताता है कि लोग गांव छोड़कर कैसे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर नौकरी और रहन सहन के लिए। 1.7% तो बहुत ही ज्यादा है, उसको हमको संभालना होगा। अब तो जो है वो ही संभालना होगा। तो इसका सलूशन क्या है, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर खाली है कि हम लोगों को शिक्षित करें और नई टेक्नोलॉजी लाएं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसका मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इससे रोज़गारी भी और मिलेगी और जरा सा सलूशन जरा सा दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। ऐसी हाउसिंग जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, लोकली रेलिवेंट या अडेप्टेबल हो और लो कॉस्ट हो, जिसको हम ग्रीन के बजाय हम सस्टेनेबल हाउसिंग या ग्रीन एंड सस्टेनेबल हाउसिंग कहते हैं, वो बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि इससे हाउसिंग से करीब लगभग 50 और जॉब्स जो हैं, जो एंसिलरी जॉब्स हैं, वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारी जॉब्स प्रदान कर सकता है। जरूरत है कि अब हम ऐसे सेक्टर्स में नौकरियां निकालें जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिले। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके कारण विकास के लक्ष्य को हासिल करने का अनुकूल वातावरण बनेगा। हमारे देश में बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, तो वो स्किलिंग की जरूरत है। नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी खास तौर से प्लानिंग में, एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में, वाटर रिसोर्स प्लानिंग में जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नौजवानों को इन एरियाज में बहुत सारे जो नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें उस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है। और ये स्किल्स ऐसा नहीं कि आज हमने जो अक्वायर की वो चलेगा, वो हमेशा जो रीस्किलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब जो नेचर ऑफ वर्क है या जॉब प्लेसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, तो वो इस तरह से उन्हें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव या जो उनका जो इनोवेशन ड्रिवन होना पड़ेगा। सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन में बढ़ोतरी हो रही है, कुछ राज्य होम स्टे पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य में करीब 3600 रजिस्टर्ड होम स्टे हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। होम स्टे योजना से करीब 8000 रोजगार के अवसर पैदा हुए, जिसकी वजह से युवाओं को शहरों में पलायन करने से रोकने में मदद मिल रही है। होम स्टे योजना के तहत कमरों के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार उन लोगों को काफी बढ़ावा दे रही है जो होम स्टे योजना में निवेश करना चाहते हैं। इन सरकारी नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अनूठी पहल के जरिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मदद कर रहे हैं। मेजर जो है मोबिलिटी का कारण जो है माइग्रेशन का, जो स्किल्ड में आया वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, पर एजुकेशन काफी हद तक जो है वो बढ़ा है। और उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे रूरल एरिया में, रूरल जो है जो विलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पर कि इन लोगों को वहाँ पे एकोमोडेट जो किया जा सके। पहले था कि हमारा जो माइग्रेशन जो अनस्किल्ड का होता था तो वो जो है चेन टाइप का मूवमेंट था, लोग जाते थे, साल में एक बार जरूर आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा एजुकेशन बढ़ा है, जब स्किल का हमारा पास मूवमेंट जब होना शुरू हुआ, तो कुछ दिन तो अपने विलेज से संबंध रखते हैं, घर से संबंध रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि हम भी क्यों ना, अर्बन लाइफ बहुत अच्छी है, हम यहीं पर सेटल कर जाएं, तो वहाँ भी वो कोशिश करते हैं छोटा मोटा जो जॉब लेने का, हाउस लेने का, या तो सेटल करते हैं। तो इस तरह से जो है अर्बनाइजेशन हमारा जो बढ़ने का कारण जो है ये जो सेटलमेंट हुआ, क्योंकि कोई अभी उस तरह की हमको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज स्किल डेवलपमेंट्स का अभी रूरल एरिया में, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम क्रिएट नहीं कर सके हैं। बेहतर लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी नौकरी के लिए लोग ग्रामीण इलाकों से पलायन कर शहरों का रुख कर रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं, शहरों पर आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2010 से 2020 तक भारत में शहरीकरण 30.93% से बढ़कर 34.93% हो चुका है। जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ता जा रहा है। इसके कुछ गंभीर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे चला गया, नतीजा पानी की किल्लत। अविकसित होने की वजह से गांव में पलायन की बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग गांव में रहना नहीं चाहते। मैं इससे सहमत हूं नहीं, गांव को हम शहर बना दें, क्योंकि गांव का एक अपना कैरेक्टर होता है और वो अपनी उसकी महत्ता है। लेकिन गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जो क्लीन वाटर है, एयर क्वालिटी वहाँ अच्छा, भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ उस तरह की नौकरियाँ जो कृषि आधारित हों या जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें, उससे आधारित नौकरियाँ वहाँ, ये सब उपलब्ध कराया जाना ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी, इसलिए ज़रूरी है कि शहरों में जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन होता जा रहा है वो उनकी अपनी समस्या है। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट मॉडल में यही कहते हैं अर्बनाइज द विलेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज या एंसिलरी या सहायक उद्योग, लघु उद्योग, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाए जाने चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया, शहरों में लाखों लोगों की नौकरियां गई। उस वक्त लोगों ने वापस गांव का रुख किया, बड़ी तादाद में श्रमिक अपने गांव लौटे। शहरों में बढ़ती आबादी की वजह से आवास की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि घर देने में शहरों की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। ग्रीहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नई दिल्ली स्थित एक संगठन है जो सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर पर सभी तरह की इमारतों का आकलन, निरीक्षण और रेट प्रमाणित करते हैं। ग्रीहा इज एसेंशियली
सर्टिफाइंग एजेंसी एंड गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट एक सर्टिफाइंग एजेंसी है, एक टूल जो इवैल्यूएट करता है कि आप कितने सस्टेनेबल हैं। हम बिल्डिंग्स को 1 से 5 स्टार के पैमाने पर रेटिंग देते हैं, जिसमें 1 स्टार सबसे कम एफिशिएंट होता है और 5 स्टार सबसे ज्यादा एफिशिएंट। ये एक निश्चित उपकरण है जिससे हम सस्टेनेबिलिटी को सभी पहलुओं पर इवैल्यूएट कर सकते हैं, साइट प्लानिंग से लेकर मटेरियल चॉइस तक, एनर्जी कंजम्पशन से लेकर वाटर कंजम्पशन और वेस्ट जनरेशन तक। आपके इंडोर कंफर्ट को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। कंफर्ट लेवल्स आर ऑल ऑफ दोस एस्पेक्ट्स दे आर यू नो काइंड ऑफ मेजर। वी डेवलप्ड आवर ओन दिस रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन हमने अपना रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जो लोकल क्लाइमेटिक और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस पर आधारित है। लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इमारतों को संचालित करते हैं। हमारा एम ये नहीं है कि हम सभी बिल्डिंग्स को एयर कंडीशन बनाएं। हमारे पास मिक्स्ड मोड ऑपरेशन रहते हैं, हम नॉन एयर कंडीशन इमारतें भी बनाते हैं। हमारे जो टूल्स या इवैल्यूएशन सिस्टम है वो हर तरह के उपाय के लिए सक्षम है। यही हमारे रेटिंग सिस्टम की खासियत है। That's the uniqueness of our rating system. The reason why green costs more. ग्रीन स्ट्रक्चर की लागत इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि इसको इंटीग्रेट होने में समय लगता है। एक बार डिजाइन चुनने के बाद, योजना को अंतिम रूप देने के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए भेजा जाता है। फिर कोई आता है और ये कहता है कि आप इसमें सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट क्यों नहीं करते, तो जाहिर है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सस्टेनेबिलिटी का इनिशियल स्टेज पर ही ध्यान रखा जाए तो हम कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। आइए गृहा प्रमाणित बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन पर एक नजर डालते हैं। दिस इज नॉट ओनली द मार्केटिंग फीचर्स, एक्चुअली इट्स ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके बेनिफिट्स हम नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन और बिजली बिल्स के रूप में भी महसूस करते हैं। पर हम बिजली का बिल 150 से 200 रुपए नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 200 बक्स एज अ पर मंथ बिल। I think what is the great advantage of GRIA, the way we have seen it here, is that the focus is basically on. मुझे लगता है कि GRIA के फायदे ये हैं कि यहाँ पर फोकस डिजाइन्स पर किया जाता है, सिर्फ टेक्निकल गैजेट्स पर नहीं, जो इसे और ज्यादा सस्टेनेबल बनाते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसे मेंटेन करना आसान हो। पहले के मुकाबले हम अपनी लो एनर्जी कंजम्पशन से काफी खुश हैं। Lower energy consumption that we had before. आज किसी भी बिल्डिंग को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की जरूरत है। इसकी शुरुआत शैक्षिक संस्थानों से की जा सकती है। बेहतर भविष्य के लिए ये बेहद जरूरी है। लोगों को जितना शिक्षित कर सकें उतना ही हमारे लिए सहज होगा, क्योंकि सारी चीज़ जो हम प्रपोज करेंगे वो जल्दी उनको मान लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के करीब पिलखुआ के अतरौली में ज्ञान अनंत विद्यालय ने मिसाल कायम की है। ये शहर का पहला ग्रीन स्कूल घोषित किया गया है। इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ज्ञान अनंत विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था, जो मोटिव था, वो ये था कि विलेज में आके या गांव रूरल एरिया में आके लोगों को वो फैसिलिटीज और वो एजुकेशन दी जाए जो कि शहरों के बच्चों को मिल रही है। और हमारा दूसरा लक्ष्य था बच्चों में अवेयरनेस लाना सस्टेनेबिलिटी के बारे में। यूपी में हमारा स्कूल एक अकलौता स्कूल है जो कि सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमें खास ध्यान रखा है कि यहाँ के इकोसिस्टम को किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुँचाई जाए। दूसरा, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है वो AAC ब्लॉक्स के द्वारा करी गई है,
ना कि हमने इसमें ईंटों का प्रयोग किया है। हमारे स्कूल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सोलर पैनल्स लगे हैं। इसके अलावा हमने जो फर्नीचर यूज़ किया है वो भी रिसाइकिल हो सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हमारी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको भी हमने रिसाइकिल्ड ही रखा है, उसमें हमने 25% उसमें पेट बॉटल्स यूज़ हुई हैं और 75% उसमें कॉटन यूज़ किया गया है, और वो जो यूनिफॉर्म है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ के छात्र पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं और उनके लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। माई स्कूल इज वर्किंग फॉर SDG नंबर 7 व्हिच इज, मेरा स्कूल SDG नंबर 7 पर काम कर रहा है जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर चलता है। हमने इसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि ये मॉडल इको फ्रेंडली है और हमारे लिए हानिकारक नहीं है। हमारे स्कूल में सोलर पैनल हैं जिनसे पंखे और लाइट्स चलती हैं। लाइटिंग बल्ब्स। आवर स्कूल टीचेस अस इन जेंडर इक्वालिटी इन व्हिच स्कूल में हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयर किया जाता है। हमारे स्कूल में स्टडी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों को एक समान मौका दिया जाता है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें खाना और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उसमें हम लोग प्रोजेक्ट, हर एक क्लास को हम एक प्रोजेक्ट देते हैं और उस प्रोजेक्ट पे बच्चे पूरा साल काम करेंगे और उस पे काम करने के बाद वो अपनी एक फाइल तैयार करेंगे जो रिसर्च बेस्ड होगी, और जब वो बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो वो फाइल जो है दूसरी क्लास के टीचर्स को दे दी जाएगी। और इसी तरह से जब तक वो बच्चा स्कूल में रहता है उसको हम हर एक सस्टेनेबल गोल पढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति को घर और सही रोजगार देने के साथ ही पृथ्वी की वहन क्षमता ज्यादा ना हो, इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों का पालन करना चाहिए। मानव आबादी को कंट्रोल करने से इन लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे हर किसी को एक बेहतर भविष्य मिल सके।